उज्जैन के पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। दोनों के परिवार के लोग भी आमने सामने आ गए और बीच रोड पर लाठियां पत्थर चल गई। झगड़े में महिलाओं तक को घर से बाहर खींचकर पीटा गया। मामला पवासा इलाके का है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। दंपति ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। 2 महीने पहले दोनों अलग होकर पवासा इलाके में ही रह रहे हैं। पवासा थाना प्रभारी रविंद्र कटारे के मुताबिक पांड्या खेड़ी में रहने वाले संदीप और खुशी की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी। उनके 1.5 और 3 साल के 2 बेटे हैं। बाद में संदीप और खुशी दोनों अलग हो गए। एक बच्चा संदीप के साथ और दूसरा खुशी के साथ रहता है। खुशी अपने बेटे से मिलने के लिए गई थी, तब भी झगड़ा हुआ था। इसकी FIR दोनों पक्षों ने थाने में कराई थी। इसी मामले में पांड्या खेड़ी में संदीप और उसके परिवार के लोग खुशी के घर पहुंच गए, मारपीट की और CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। पति पत्नी है जिनका करीब 5वां प्रेम विवाह हुआ था, परंतु उस दौरान बीच में अनबन हुई और माँ जब मिलने गई तो उस दौरान दोनों पक्षों के बाद विवाद भी हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अभी दोनों पक्षों को थाने पर बुलवाया जा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि उसको या तो समझाइश के माध्यम से काउंसलिंग की जाए और आवश्यकता पड़ती है तो उसके विरुद्ध FIR करके कानूनी कार्रवाई की जाए। उज्जैन जिले के नरवर थाना क्षेत्र में आने वाले सिलारखेड़ी गांव में 6 जून को लगभग रात्रि 8 बजे पुरानी रंजीश को लेकर गांव के ही निर्भय सिंह, उसके 2 बेटे नितेश एवं प्रतीक भतीजे राहुल अभिषेक एवं रामचंद्र तथा कमल सिंह ने मिलकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें फरियादी सीमा परमार के पति अजय परमार को शरीर में लगभग 11 जगह फ्रैक्चर हो गए थे और कुल्हाड़ी द्वारा पैरों पर वार किए जाने से शरीर में जहर फैलने की वजह से उपचार के दौरान अजय परमार का एक पैर घुटनों के नीचे से डॉक्टर को काटना पड़ा था। लेकिन नरवर थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना को मामूली विवाद बताकर हल्की फुल्की धारा लगाकर रफा दफा कर दिया गया एवं छोटी मोटी धारा लगा दी। इसके बाद से ही सभी आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अजय परमार व उसकी बीवी बच्चों को राजीनामा करने की बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में फरियादी सीमा परमार डरी सहमी से अपने बच्चों को लेकर आला अधिकारी दफ्तरों में चक्कर काट रही है और कार्यवाही की मांग कर रही है। सीमा परमार ने आज उज्जैन पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें अपना आवेदन दिया और आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। सीमा परमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गण हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे ऊपर राजीनामा करने का दावा बना रहे हैं। ऐसे में मुझे मेरे पति या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो इन सब का जवाबदार थाना प्रभारी नरवर एवं यह सभी आरोपी होंगे। गए थे तो जब दिख रहे थे अंदर चेक दिख रहे, वो शाम को घर आ रहे थे, वहाँ पे वो आए ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, गाँव की तरफ से आ रहे थे वो ट्रैक्टर खड़ा कर दिए दोनों तरफ से, तो मान लिया 7 जने कहाँ का कैसे कहा तो हुआ कौन लोग थे ये निर्देशिंग राहुल अभिषेक कमल तो उनके बच्चे नितेश पति और एक उनके ससुर थे रामचंद्र चाय के वहाँ वो चुनावी अभी क्या स्थिति है उनकी अभी कहाँ पे है उनका एक पांव तो कट गया है और एक फ्रैक्चर है हाथों में भी फ्रैक्चर है। पुलिस द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया नहीं अभी तो अभी क्या चाहते हैं आपके तक अब उनको आरोपी तो पकड़े उनको अंदर करे और क्या कौन से थाने पे शिकायत करो। प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाते हुए महाकाल मंदिर के आसपास सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए और दुकानदारों को हिदायत दी कि दोबारा दुकान नहीं लगाएं वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। सावन माह 22 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बुधवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही महाकाल मंदिर क्षेत्र में देखने को मिली। यहां बड़ा गणेश मंदिर और महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर स्थित अवैध दुकानों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। इन दुकानों पर फूल प्रसादी के अलावा भक्ति भंडार की सामग्री विक्रय की जा रही थी। कई दुकानें टीन शेड में संचालित हो रही थी तो कई फुटपाथ पर इन दुकानों के कारण बार बार यातायात बाधित हो रहा था। हिदायत देने के बाद भी दुकान संचालक दुकान नहीं हटा रहे थे, लिहाजा आज
सख्ती से कार्यवाही करना पड़ी। महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि यहां करीब 60 अवैध दुकानें हटाई गई है और हिदायत दी गई है कि दोबारा दुकान ना लगाई वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। निकले लगातार शिकायत आ रही थी। कलेक्टर महोदय द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा था कि यात्रियों को परेशानी हो रही है और इस मार्ग पे लगातार लोग बाग अतिक्रमण कर रहे थे, उसको आज संयुक्त रूप से हटाया गया पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा। ई रिक्शा संचालकों से रसीद के नाम पर ठगी को लेकर यातायात थाने का घेराव किया। रेडियम के लगाने के नाम पर मांग रहा असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ ई रिक्शा ने लगाया आरोप। रेडियम पट्टी मंगवाली लगवाई नहीं, कथित एसोसिएशन अध्यक्ष पर आरोप। महाकाल लोक बनने के बाद से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु शहर में आ रहे हैं। इन्हें भ्रमण करवाने पर जो राशि प्राप्त होगी उससे ई रिक्शा की किस्त भी अदा हो जाएगी और घर भी चल जाएगा, बच्चों की फीस भी भर देंगे। लेकिन अब संचालन पर कथित एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कब्जा जमा लिया है और आए दिन रुपयों की मांग की जा रही है। हम अनाधिकृत का तौर पर किस किस को रुपए देंगे, रेडियम पट्टी के नाम भी 500 रुपए की वसूली की जा रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज रिक्शा चालकों ने यातायात थाने का घेराव किया और रिक्शा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार किया। ई रिक्शा संचालकों ने एसोसिएशन पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा से लेकर आरटीओ से गुहार लगाई है कि कथित ई रिक्शा संगठन के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी से निजात दिलाई जाए। हम जिला प्रशासन की बात और उनके नियम मानने को तैयार हैं। इधर एसोसिएशन के नाम पर हमसे जिस तरह से जबरिया वसूली की जा रही है और धमकी दी जा रही है उससे हम बेहद आहत हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने से परिवार परेशान है। यदि हमें न्याय नहीं दिलाया गया तो हम आंदोलन की राह अख्तियार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब शहर आएंगे तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही कल एसपी प्रदीप शर्मा को ज्ञापन भी देकर रिक्शा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करेंगे। जो बल्लू भैया ने जो पट्टे लगवाने का जो करा है वो हम अभी यातायात थाने पे खड़े हैं तो उनने मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रशासन ने अलाउ नहीं करा है, लेकिन जबरदस्ती वो बनाए गए कि पट्टे लगवाना जरूरी है, हमारे पास आओगे तो हम इतने में कर देंगे। वो कोई कितने पैसे ले रहे हो? 500 रुपए का वो करवा रहे हैं। द्वार को हरी फाटक ब्रिज के नीचे और यातायात थाने पर दर्जन भर से अधिक रिक्शा संचालक एकत्रित हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि हम एसपी से लेकर कलेक्टर और आरटीओ से लेकर थाने में शिकायत करेंगे कि हमें अपनी मर्जी से रेडियम पट्टी नहीं लगाने दी जा रही है, संगठन के अध्यक्ष द्वारा बेची जा रही है, पट्टी ही खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। पट्टी लगाने के बाद एक सादे कागज पर हाथ से लिखी हुई पर्ची दी जा रही है जिसे रसीद बताया जा रहा है और नहीं लेने पर आरटीओ से मिलने वाली परमिशन रोकने की बात कही जा रही है। देखिए, ये ई रिक्शा का कई दिनों से मुद्दा चल रहा है और एक आम व्यक्ति जो है बल्लू ठाकुर करके वो सभी ई रिक्शा वालों को गुमराह कर रहा है। गुमराह का मतलब ये है कि अभी भी ट्रैफिक यानी कि यातायात थाना घेरने का मतलब ये था कि लाल पट्टे और पीले पट्टे का जो मुद्दा चल रहा है कि इन पे चिपकाया जाए और नहीं चिपकाने वालों को हम 500 रुपये जुर्माना या 250 रुपये जो भी कट रहा है वो काटेंगे। तो कुछ ऑटो लेके आ गए थे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे, तो उसके लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए ई रिक्शा वाले और मेरे को सूचना मिली तो मैं भी आया इनकी मदद के लिए। तो मेरा मतलब ये है, प्रशासन से कहने का मतलब ये है कि आप इसका रूट सही करें। और एक आम व्यक्ति 4,000-5,000 जो ई रिक्शा है वो चलाने के लिए इनको गुमराह कर रहा है। इसमें ई रिक्शा में कुछ माता बहनें भी है
तो उन माता बहनों का भी रूट रात को 3 बजे चलाने को लेकर सुबह 3 बजे का कर दिया, क्योंकि माता बहनें रात को 3 बजे ई रिक्शा चलाने आएगी तो शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा है। जब शासन प्रशासन के पास ये लोग जाते हैं या हम लोग जाते हैं तो इनको चमका कर भगा दिया जाता है और अपशब्द भी बोला जाता है प्रशासन की ओर से, है ना। पुलिस द्वारा भी पिछली बार भी मेला ग्राउंड में गुमराह किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। तो हमारे कुछ कौन व्यक्ति हो, उसका नाम है बल्लू ठाकुर, जो अभी भी एक ब्लैंक कागज पे इनके नंबर लिख रहे हैं और उसमें 50 रुपये 400 रुपये की ऐसी रसीद काट रहा है। भारतीय मजदूर संघ, ये मजदूरों में थोड़ी आते, ई रिक्शा यूनियन है भैया, और ई रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष जो हमने घोषित करा था, सभी ई रिक्शा वालों ने मिलकर घोषित करा था, अध्यक्ष जो है ई रिक्शा का उनका नाम है मिलन जी गुज्जर। इधर ई रिक्शा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष बल्लू ठाकुर ने आरोप को गलत बताया है। उनका कहना है कि किसी को जबरदस्ती नहीं की जा रही है, जिस व्यक्ति की इच्छा हो वह रेडियम हमारे पास से लगवाएं और उन्हें कई सुविधा मिल रही है और सस्ते में अच्छा वाला रेडियम मिल रहा है तो लगा सकता है। आरडीओ संतोष मालवी ने बताया कि किसी दलाल के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि हमसे आरटीओ में आकर रेडियम लगवाएं। अब नियम से ई रिक्शा संचालन करना पड़ेगा वरना हम परमिट भी निरस्त करेंगे, कोर्ट कचहरी की कार्यवाही भी करेंगे। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ है, भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूनियन, उसकी मैंने ई रिक्शा संगठन खड़ा करा है और बात है उसकी सदस्यता का 400 रुपये शुल्क है, 360 रुपये साल में एक बार व्यक्ति को सदस्यता लेंगे तो जमा करना पड़ेगा वार्षिक तौर पे, जिसका 30 रुपये महीना होता है, तो हम उसका इकट्ठा एक साल का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। 40 रुपये पंजीयन के लग रहे हैं, जो पहली बार फर्स्ट बार पंजीयन कराएगा तो 40 रुपये उसके आएंगे, और 10 रुपये का एक BMS का लोगो दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज है और उसके बाद में एक जो चीज है कि ये रूट वाली समस्या की, तो प्रशासन ने जो लोगों के लिए रूट बनाया था रिक्शा वालों के लिए, तो सब जने ना जाने कहा कहा के रूट बना दिए थे उन्होंने प्रशासन ने, बिना सोचे समझे ना शहर के किसी भी, मैं BMS का नहीं कहता हूँ कि ई रिक्शा मेरी यूनियन का कहता हूँ या शहर शाह या शहर में और भी जगह जो यूनियन है, कम से कम इन सबको इकट्ठा करके इनकी सहमति तो लेना चाहिए, उसके बाद रूट तैयार करते। अब इन्होंने डायरेक्ट हमारे को पटक दिया और प्रशासन ने भी ये सोचा था कि आचार संहिता चल रही तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे, इसके लिए हमने आवाज उठाई, उसके बाद सरकार ने हमारा कहना भी माना, कुछ हमने भी उनका कहना माना, उसके बाद में 7 घंटे का समय बताया सब प्रशासन ने कि 7 घंटे गाड़ी चलेगी, तो मैंने उसको 12 घंटे का प्रस्ताव रखा, 12 घंटे करवाया। आज शहर की व्यवस्था बनाना हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है क्या, और कौन सा ये रिक्शा 12 घंटे 24 घंटे चलता है, पहले तो आप मुझे, तो ये भरोसे में नहीं लिया गया आपने इनको, क्या विद्रोह कैसे हो गया? नहीं, सबको भरोसे में लिया गया, इतने समय से ये सब लोग भी साथ में थे, जब हमने रैली निकाली थी सभी लोग साथ में थे। आज इन लोगों ने अगर ये समर्थन नहीं करना चाहते हैं प्रशासन का और ये मुझे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इतने दिन से कम से कम इन लोगों को सरकार को अवगत तो कराना चाहिए। एक ऑटो पार्ट संचालक आज जो नियम निकाला सरकार ने उसके दिन आज ही विरोध कर रहे हैं। एक ऑटो पार्ट संचालक आया था, वो बोल रहा था कि 90,000 की रेडियम मंगवा लिया और मेरे से ले नहीं रहे। मैंने किसी को टेंडर दिया है क्या? मेरे कन जो भी वहाँ पे रेडियम लगाने आया है, प्रशासन ने सबने बैठक, ये जो बातचीत हुई सब कुछ, रेडियम लगा जो आ रहा वो लगाओ रेडियम। अभी इनका कहना कि 500 रुपये रेडियम के बहुत ज्यादा दे जा रहे हैं, ओरिजिनल रेडियम के हैं, लोगों को जिसको नहीं लगाना है मैं ग्रुप में मैसेज भी करता हूँ, मेरे कन सब चीजों के सबूत है कि जिसको जहाँ इच्छा हो वहाँ पे रेडियम लगाए। आप मेरे साथ में इतने व्यक्ति जुड़े नहीं, बल्लू भैया आप ही व्यवस्था करवाइए, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा नाम खराब नहीं हो, तो मैं तो ओरिजिनली चीज लगवाऊंगा ना, आपको जमे तो यहाँ लगवाओ, तो बाजार में सस्ता वाला लगवाओ। उज्जैन के आगर रोड स्थित संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में श्रम कानून के अनुसार काम लिए जाने के साथ ही विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संबंध में हमाल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। शेर खां में प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि हमालों की विभिन्न मांगों को लेकर हमाल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन के बैनर तले आज हजारों हमाल एवं तुलावटियों ने आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन कर मंडी सचिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमाल तुलावटियों की ज्वलंत समस्याओं एवं विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें श्रमिकों को मिलने वाले अधिकारों की आवाज उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में हमाल एवं तुलावटी मौजूद रहे। यहां आपको बता दें कि उज्जैन स्थित कृषि उपज मंडी में संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी, जिसमें 2000 से अधिक हमाल एवं तुलावटी मजदूरी कर रहे हैं,
प्रदर्शन के दौरान मजदूरों को मिलने वाले अधिकार के साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनकी मजदूरी भी बढ़ाई जाने की मांग की है। प्रदेश महासचिव राम त्यागी ने बताया कि आने वाले दिनों में बजट आने वाला है और मजदूरों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं। इसी को लेकर आज मंडी हमाले ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मंडी सचिव को साफ सुथरी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। सभी कृषि मंडियों में श्रम कानूनों अनुसार कार्य लिए जाए, श्रम कानूनों में छेड़छाड़ बंद की जाए, हमाली एवं तलावटी श्रमिकों को बीमा बोनस ग्रेच्युटी एवं पेंशन का लाभ दिया जाए, सभी हमाल श्रमिकों को गरीबी रेखा में शामिल कर राशन बिजली पानी मुफ्त दिए जाए, रात्रि 11 बजे बाद नियमानुसार कार्य बंद किए जाए, कोरोना काल के बाद हमाल श्रमिकों की कोई भी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई, महंगाई के मान से मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, इसके अलावा हमाल तलावटी सहायता योजना लागू करो, अगर मजदूरों के हितों को बजट में नहीं लाया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। मंडी सचिव को ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है, हमने यहाँ के जो नियम बनाए थे वो नियम की अनदेखी की जा रही है, गुलामों की तरह काम लिया जा रहा है, संडे को काम लिया जा रहा है, रात रात भर काम करवाते हैं व्यापारी लोग हमसे, जो है गुलामों की तरह काम करवाते हैं और उनका साथ देते हैं हमारे यहाँ के मुकादम लोग। क्या क्या नियम है, धमका के काम लिया जाता है कि अगर काम नहीं करोगे तो काम से बंद कर देंगे तुम्हें, इस डर से बेचारा काम करता है। हमारा कितने घंटे का काम का है, क्या नियम है? तो 11 बजे काम बंद होना चाहिए लेकिन रात रात भर कराया जा रहा है काम। ये ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया है ना, और जैसा कि सभी जानते हैं कि बजट सत्र केंद्र में सरकार लाने वाली है 10-15 दिन बाद, उस बजट सत्र के अंदर हमारे तमाम हमाल भाइयों की बात, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात, न्यूनतम वेतन की बात, ग्रेजुटी की बात, पेंशन की बात, बोनस की बात, ये सारी बात उस बजट सत्र में मजदूरों के लिए आए और तमाम देश के उन करोड़ों करोड़ों हमाल हमारे श्रमिक जो श्रम कानून से वंचित हैं उन्हें भी ये लाभ मिले, इसके लिए हम आज ये ज्ञापन। खाशोद में रहने वाले एक युवक ने SP से मिलकर गुहार लगाई है कि उसके खिलाफ फर्जी रजिस्ट्री कराने की शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाकर न्याय दिलाया जावे। दरअसल मामला यह है कि उज्जैन जिले की खाशोद में रहने वाला लोकेंद्र सिंह नामक युवक दलाली का काम करता है। उसने गांव में ही रहने वाले नरसिंह सिंह की जमीन का सौदा राशिद शाह पिता सलीम शाह से कराकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी। इसी मामले में उसके खिलाफ खाशोद पुलिस थाने में फर्जी रजिस्ट्री कराने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसको लेकर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से लोकेंद्र सिंह को जानकारी लगने के बाद उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश को आवेदन दिया गया कि जिसमें उल्लेखित किया गया है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ग्राम चापा खेड़ा में एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से त्रुटि हुई थी। खाशोद रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार रामकृष्ण सोनकेसरिया द्वारा सुधार करते हुए उक्त रजिस्ट्री को शून्य किया जाने की कार्यवाही संपादित की जा चुकी है। आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। पेपर और न्यूज के मालूम को पता चला है कि मेरे खिलाफ खाशोद थाने में आवेदन गया है और मुझे पता चला है कि आवेदन गया है कि भाई कोई फर्जी तरीके से कोई रजिस्ट्री हुई है और उसमें मैं बीच बांधा तो मेरा मतलब मुझे पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें, और एक रजिस्ट्री हुई थी नर्सिंग चांपा खेड़ा का है जो जमीन का सौदा हुआ था उसमें मैं बीच बांधू, तो किसने सौदा हुआ था रशीद शाह से रतलाम वाले से और बेचने वाला था चांपा खेड़ा का नर्सिंग जो वो ID लेके आया था नर्सिंग के नाम। आपके मेरे खिलाफ जो ये मुझे पता नहीं था कि एक और नर्सिंग गाँव में रहता है, उस नर्सिंग ने मेरे खिलाफ थाने पे आवेदन दिया है कि मैंने उसमें मतलब मेरा हाथ है मेरे फर्जीवाड़े तरह से जमीन चेंज करें और कोर्ट वन मतलब मेरे ऊपर होना चाहिए, ये जमीन बेचवाने में पूरा मेरा हाथ है। ओके, जमीन क्या चाह मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो सही जांच है वो उसी जांच की जाए उस पर, मतलब अगर रजिस्ट्रार की वहाँ रजिस्ट्री हुई है तो उसको भी तो डॉक्यूमेंट चेक करना थे कि भाई वो सही है इंसान जो आया, अंगूठा फिंगरप्रिंट लगी है, क्योंकि रजिस्ट्री ऐसे नहीं होती है, वो नामांतरण भी हुआ जो 3 बीघे का वो कैसे हुआ। पुलिस ने मुहर्रम के समय निकलने वाले अखाड़ों में जाकर आयोजकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों से कराया अवगत, साथ ही जुलूस अखाड़ा के दौरान किसी भी प्रकार के धारदार हथियारों का उपयोग न करने की समझाइश दी गई। CSP OP मिश्रा ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र में
मुहर्रम के समय निकलने वाले अखाड़ों में जाकर पुलिस आयोजकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों जैसे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामग्री अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करने, किसी धर्म संप्रदाय या जाति विशेष विरोधी वक्तव्य नहीं दिए जाने, ऐसे संगीत गीत का प्रसारण नहीं किए जाने जिससे किसी व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष की भावना आहत ना हो, यातायात व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखने तथा अखाड़े का ड्रेस कोड निश्चित करने की समझाइश दी। साथ ही अवगत कराया कि कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है। पूर्व में भी ऐसा इतिहास रहा है कि हमने सभी मुहर्रम कमेटियों की मीटिंग ली, उसी तारतम्य में अभी भी हमारे द्वारा थाना महाकाल पर और शहर के अन्य थानों पर मुहर्रम समितियों की मीटिंग ली गई है और जो भी आयोजक हैं उनको प्रति आयोजन 50-50 वॉलंटियर देने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनको पृथक कलर की एक टी शर्ट भी दी जाएगी और बिसल भी दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कि शहर में कम से कम 7 से 8 अखाड़े हैं तो उन अखाड़ों में कुछ शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो अभी हमारे शहर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानों से बल को अखाड़ों में भिजवा के और उनके शस्त्रों को चेक करवाया गया है, जिनमें भी धार वगैरह पाई गई है उनको अखाड़े में यूज करने ना करने के लिए बोला गया है और इस प्रकार सभी थाना क्षेत्रों मुहर्रम को लेकर एहतियात बरती जा रही है। उज्जैन के गंगा घाट स्थित श्री मोन तीर्थ पीठ परिसर में मुनि बाबा समाधि मंदिर पर मंगलवार को महामंडलेश्वर डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में तबला वादक अनुराधा पाल की प्रस्तुति हुई। संगीत प्रेमियों ने इस प्रस्तुति में तबला वादन के माध्यम से गुरु वंदना के साथ भक्ति रस की गंगा का आनंद लिया। तबला वादक अनुराधा ने बताया कि मोन तीर्थ पर उनका अनुभव बहुत ही सुखद रहा। उन्होंने तबले की धुन पर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ और ट्रेन की चाल पर समाप्त बांध दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आश्रम के छात्र और श्रोतागण मौजूद रहे। जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मौनी बाबा के आश्रम में परफॉर्म करना। मैंने थोड़ी देर तबला की प्रस्तुति की और ख़ास तौर से शिव तांडव नृत्य और बनारस चूँकि के काशी नरेश रहे हैं बाबा विश्वनाथ, तो उन्हीं से जो संबंधित कुछ कुछ तबले की बंदिशें, कुछ खास घरानेदार चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें और कुछ खास चीज़ें जो मेरे बनी हुई हैं वो मैंने प्रस्तुत की। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो बच्चे सामने जो इतने प्यार से सुन रहे थे और इतने अच्छे श्लोक उन्होंने शुरुआत में कही और ख़ास तौर से मोनी बाबा के सामने प्रस्तुति करना और इनके सामने प्रस्तुति करना और यहाँ पर जहाँ इतनी एनर्जी है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी और एनर्जी इस आश्रम की, ये एक खास अनुभव है। और मैं कह सकती हूँ कि मतलब इट्स द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी जो इधर आती है, एक एनर्जी जो आती है, एक कमाल है। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हाज़िरी दे के
प्रस्तुति तबले की करके।